हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ क्वांटम यांत्रिकी इस नई दुनिया में। दोस्तों, पिछले इस वीडियोस में हमने प्लांक रेडिएशन का जो लो था उसको ओनली हमने एवरेज एनर्जी तक ही निकाल कर देखा था। तो दोस्तों, एवरेज एनर्जी हमने क्या निकाल दी थी पिछले वीडियो में? ई बार, यानी ये एवरेज है। ई एवरेज इक्वल टू एच वी अपॉन ई टू द पावर एच वी अपॉन लेमडा के टी माइनस वन, ठीक है। ये ओनली आपके पास एवरेज एनर्जी थी टोटल वी प्लस डीवी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ओसिलेटर के द्वारा कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी इमिट की गई थी ओसिलेटर के द्वारा। तो ये टोटल एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी रेंज वी प्लस डीवी के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। यहां पर भी मैंने फिर से रॉन्ग लिख दिया, तो यहां पर भी वापस ही आना चाहिए एवरेज एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर एवरेज एनर्जी आएगा। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये अब हमारे को क्या निकालना है दोस्तों, टोटल एनर्जी निकालनी है वी प्लस डीवी रेंज के अंदर, ठीक है। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ईवी डीवी इक्वल टू एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से। अगर हमारे पास जितने भी वी प्लस डीवी रेंज के अंदर ऑसिलेटर है उनको टोटल एनर्जी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों, टोटल सॉरी एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों, एवरेज एनर्जी ये आ गई और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आपके पास ये हो गए। इनको देखो आगे, एट पाई एच म्यू का म्यू और म्यू स्क्वायर म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इनटू, ये वापस डिनोमिनेटर में एज इट इज वापस हमने राइट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसी फॉर्मूले को हमारे को क्या करना है दोस्तों, इसी फॉर्मूले को लेमडा की फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है लेमडा और सी में रिलेशन, लेमडा और सी में रिलेशन क्या होता है दोस्तों, इसको यहां से ऊपर से रख कर लेते हैं। हम जानते हैं कि लेमडा और सी में रिलेशन क्या होता है। देखिए, वी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ, ठीक है। यहां से इस वी की वैल्यू को पुट कर देंगे, लेकिन मेरे दोस्तों ये डीवी भी साथ में है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीवी इक्वल टू माइनस सी अपॉन वन बाय एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस सी वी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप देखिए सीधा अगर हम हल करना चाहे तो देखिए, मैं सीधा हल करूंगा कि v की जगह मैंने क्या लिख दिया, c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा। तो इस v की जगह अगर मैं c अपॉन लैम्डा लिखूंगा, देखिए तो यहां पर आ जाएगा c क्यूब, ठीक है दोस्तों, अपॉन इस v क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, c क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब, ठीक है। यानी कि ये ऊपर सी स्क्वायर बैठा हुआ और ये सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे को क्या करना, माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर और इस डीवी की जगह पुट करना। तो यहां पर अगर पुट करेंगे माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर, तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो आपके पास क्या जाएगा, एट पाई एच सी, और इसको मोड में लिखेंगे तो माइनस अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया एट पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर फाइव इंटू ई टू दावर एच, और इस वी की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, सी बाई लेमडा। तो ई टू दावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस वन, ये आपके पास टोटल आ जाएगा। और यहां पर आपके पास डीवी की जगह ये डी लेमडा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अब सीधा लिखते हैं इसको, तो यहां पर ई लेमडा डी लेमडा इक्व टू एट पाई एच सी, एट पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर फाइव इंटू वन अपॉन ए टू दी पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस वन, और ये हो गया डी लेमडा, ठीक है दोस्तों। यहां तक सब सब ठीक है। अब हमारे को इस प्लांक रेडिएशन लॉ से वेन लॉ निकालना है, उसके बाद हमारे को रेले जेम्स का लॉ भी निकालना है। तो हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, अगर वेन का लो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं,
तो वह लो निकाल लेते हैं। देखिए वेन का लो हमारे पास ओनली शॉर्ट रेंज के अंदर ही, शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर ही हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वेन लो एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट रेंज, शॉर्ट वेवलेंथ हम लिख सकते हैं यहां पर, वेन लो एलाइज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट रेंज। तो मेरे दोस्तों अगर शॉर्ट रेंज के अंदर ही वेव लो हमारे पास एप्लीकेबल है, तो देखिए ये जो e टू द पावर एच सी बाई लेमडा केटी, ये ग्रेटर ग्रेटर देन वन हो जाता है आपके पास, ठीक है दोस्तों। अगर ये बहुत अधिक हो जाता है वन से, तो इस वन को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नहीं लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर ओनली e टू द पावर एच सी बाई लेमडा केटी को ही लिखेंगे। ये हो गया e लेमडा d लेमडा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन e टू द पावर एच सी बाई लेमडा केटी। ये आपके पास वेन लॉ हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, वेन लॉ। अब हमारे को क्या निकालना है दोस्तों, रेले जीम्स का लॉ निकालना है। तो रेले जीम्स का लॉ निकाल लेते हैं, ठीक है। रेले जीम्स को रेले ने क्या कहा था कि उसका जो फॉर्मूला है हायर वेवलेंथ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लेमडा हायर लेते हैं, लेमडा हायर हो जाएगा तो एच सी बाई लेमडा के टी, तो एच सी बाई लेमडा के टी ये भी हायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हायर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एच सी बाई लेमडा के टी को इस वैल्यू को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एच सी बाई लेमडा के टी को लिख सकते हैं ई टू दी पावर, ये ई टू दी पावर एच सी बाई लेमडा के टी प्लस 1। रुके दोस्तों, यहां पर कुछ मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो सकता है। देखिए दोस्तों हमने एक यहां पर ये मिस्टेक कर दी थी कि हमारे को e टू द पावर एच सी बाय लेमडा के टी की जगह हमें क्या करना है, ओनली एच सी बाय लेमडा के टी प्लस 1 ही रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा आ जाएगा तो इसमें e का बेस है वो हट जाएगा और सीधा हम एच सी बाय लेमडा के टी प्लस 1 रख देंगे, ठीक है। तो इस पूरे की जगह हमें एच सी बाय लेमडा के टी पुट करना है। तो ये देखिए 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू द पावर 5 चल रहा है और यहां पर वेन लॉ को ढूंढते हैं, 1 अपॉन एच सी बाई लेमडा के टी प्लस 1 माइनस, ये माइनस और ये आपका है और इस e टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी की जगह हमने ये रखे और ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा, सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, लेमडा की एक पावर भी कैंसिल हो गई, तो सीधा आ गया आपके पास एच से एच भी कैंसिल हो गया। ये हो गया 8 पाई के टी अपॉन लेमडा टू द पावर 4, ठीक है दोस्तों। ये आज हमने दोनों ही नियम इससे प्रोड्यूस कर लिए हैं प्लांक रेडिएशन लॉ से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक की दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।